ये अलायंस से डर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर रहे हैं, अब ये इंडिया अलायंस को तोड़वाना चाहते हैं और इसलिए गिरफ्तारी की साजिश रच रहे हैं। मतलब गिरफ्तारी के पीछे फिर उनकी मंशा क्या है? अगर वो गिरफ्तार कर लेते अरविंद केजरीवाल को तो उनकी क्या मंशा पूरी? इनकी मंशा ये है कि अलायंस टूटे और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिल के भाजपा को हराने का काम ना करें। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के कई बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं कि भाई अलायंस से आप लोग बाहर आ जाओ, गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये चीज़ें तथ्यात्मक हैं या एक पॉलिटिकल बयान है? अगर मैं बोल रहा हूँ मीडिया के सामने और सारे देश के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आए हैं कि आप अलायंस तोड़ दो, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, तो समय आने पे आपको सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी। हरियाणा में आपकी बदलाव यात्रा चली, बदलाव जनसभा चली, उसमें कई लोग आपको छोड़ के चले गए। दो आदमी को तो कई मानते हो आप, और 1.5 लाख लोग पदाधिकारी बने, लाखों लोग जुड़ के उनके कई नहीं मानते। आपने कहा कि लाखों लोग आपके पदाधिकारी बन गए जींद में, आपने 1.5 लाख पदाधिकारी बन गए जींद में, आपने 11,000 कुर्सियां लगवाई, आधी फिर भी खाली रहेगी। शायद गिनती दोबारा से सीखनी पड़ेगी, मैथ का सब्जेक्ट पढ़ना। मैं आपको ड्रोन के शॉट दूं तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। सुनिए, आप दिखा देना मुझे, अगर 11,000 कुर्सी होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा कर दूंगा। लो सर, मैं अभी 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 दिखा दे ड्रोन के शॉट। मैं तो बता रहा हूं, अगर होगी तो इस्तीफा दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं आपको सिद्ध करूंगा, आप पत्रकारिता छोड़ देना। 9 लाख से ऊपर लोग वहां पे आए थे कुर्सियां, फिर 11,000 कुर्सियां, आप कैसे 11,000 कुर्सियां नहीं थी ना जी? आपका फिर कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ संगीत दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है सर। लाखों लोग जींद में पहुंचे थे, जितने अंदर थे उससे कई गुना बाहर थे। नमस्कार, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जो हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, लगातार उनको जो है ईडी के सम्मन जो है वो आ रहे हैं, 7वां सम्मन जो है अब तक आ चुका है, और लगातार जो है वो सम्मन का जवाब जो है वो नहीं दे रहे हैं। गुप्ता जी, लगातार सम्मन जो है वो आ रहे हैं और लगातार सम्मन का जवाब नहीं दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सम्मन जो आ रहे हैं वो इनलीगल हैं, किस तरह से देख सकते? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन लिख के भेजा, क्या मुझे बताएं, हर संबंध में लिखा होता है कि बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर अक्यूज बुला रहे हैं, ये एक प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर है। फिर उनको लिखा कि बतौर मुख्यमंत्री बुला रहे हैं या बतौर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बुला रहे हैं, इंडिविजुअल बुला रहे हैं, तो उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, क्योंकि फिर ईडी खुद कोर्ट चली गई। अब तो कोर्ट का तो इंतजार करना चाहिए, अगर ऐसा कोई असंवैधानिक बात होता तो कोर्ट ऑर्डर करता। जब ईडी खुद कोर्ट के अंदर गई है तो कोर्ट के आदेशों का इंतजार करें। ये अलायंस से डर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर रहे हैं, अब ये इंडिया अलायंस को तोड़वाना चाहते हैं और इसलिए गिरफ्तारी की साजिश रच रहे हैं। मतलब गिरफ्तारी के पीछे फिर उनकी मंशा क्या है? अगर वो गिरफ्तार कर लेते अरविंद केजरीवाल को तो उनकी क्या मंशा पूरी? मंशा ये है कि 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, आज तक 1 रुपये का आरोप नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ट्रायल कोर्ट में 4 दिन ये केस नहीं चलेगा। सत्येंद्र जैन जी को 2 साल से गिरफ्तार कर रखा है, 1 रुपये का आरोप नहीं लग पाया आज तक। संजय सिंह जी को इसी फर्जी केस में गिरफ्तार कर रखा है, क्योंकि संसद में मुखर आवाज बोलते थे। इनकी मंशा ये है कि अलायंस टूटे और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिल के भाजपा को हराने का काम ना करें। लेकिन 2-3 नेता आपने नाम लिया कि इन लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, आप लोग भी उन मामलों में कोर्ट में गए तो कोर्ट उनको फिर बेल भी नहीं मिलने देती, बेल भी नहीं मिल रही, तो किस लिए नहीं मिल रही? मैं कह रहा हूँ, ये जो ईडी का नया कानून बना है, इस कानून का प्रावधान बेल में नहीं है। इस कानून के अंदर ये है कि दोषी जो जिसको डाला है अंदर, वो अपने आप को निरपराध सिद्ध करेगा। हिंदुस्तान के अंदर अभी तक जितने भी कानून हैं उसमें पुलिस को सिद्ध करना होता है, जो एजेंसी डालती है उसको सिद्ध करना होता है कि दोषी है। जब हमारे पास कुछ नहीं आता तो फिर ईडी बोलती है जी हम और ढूंढ रहे हैं, तो कोर्ट को इंतजार करना पड़ता है, कोर्ट कर नहीं सकते, ये नियम है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के कई बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं कि भाई अलायंस से आप लोग बाहर आ जाओ, गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ये चीज़ें तथ्यात्मक हैं या एक पॉलिटिकल बयान है? अगर मैं बोल रहा हूँ मीडिया के सामने और सारे देश के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आए हैं कि आप अलायंस तोड़ दो, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी,
तो समय आने पे आपको सारी चीजें दिखा दी जाएंगी। मतलब आपसे भी कोई पॉलिटिकल मैसेज आपके पास भी आया है, आप भी एक स्टेट नहीं, मेरी पार्टी के नेताओं के पास आ गया तो मेरे पास ही आ गया ना जी, बता देंगे आपको। अच्छा, हरियाणा में आपकी बदलाव यात्रा थी, बदलाव जनसभा चली, उसमें कई लोग आपको छोड़ के चले गए, कई लोग आपके साथ अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा था, दो आदमी को तो कई मानते हो आप, और 1.5 लाख लोग पदाधिकारी बने, लाखों लोग जुड़ गए उनके कई नहीं मानते, लेकिन दो लोगों को जाने को आप कई मानते हो। आपने कहा कि लाखों लोग आपके पदाधिकारी बन गए जींद में, आपने 1.5 लाख पदाधिकारी बन गए जींद में, आपने 11,000 कुर्सियां लगवाया दी फिर भी खाली रहेगी। मैं क्या शायद गिनती दोबारा से सीखनी पड़ेगी, मैथ का सब्जेक्ट पढ़ना। मैं आपको ड्रोन के शॉट दूं तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, सुनिए आप दिखा देना मुझे, अगर 11,000 कुर्सी होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा कर दूंगा। लो सर, मैं अभी 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 दिखा दे ड्रोन के शो, बता रहा हूँ, अगर होगी तो इस्तीफा दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं आपको सिद्ध करूंगा, आप पत्रकारिता छोड़ देना। हाँ ठीक है, मैं पत्रकार, अगर 11,000 हुई तो मैं छोड़ दूंगा। और मैं ये कह रहा हूँ 11,000 लाख से ऊपर लोग वहां पे आए थे, कुर्सियां फिर 11,000 कुर्सियां कैसे, 11,000 कुर्सियां नहीं थी ना जी आपका, फिर कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ संगीत दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है सर, पर रैली में लोग आ नहीं रहे, संगीत दिक्कत क्या बात कर रहे हो, आज तक जींद में जितनी रैली हुई आप उन सबसे बेहतरीन रैली थी वो, और लाखों लोग जींद में पहुंचे थे, जितने अंदर थे उससे कई गुना बाहर थे। अच्छा, अभी आपका जो अलायंस हुआ है हरियाणा में, आप लोगों को जो सूचना आ रही है मीडिया के माध्यम से कि हरियाणा में आपको कम सीटें दी गई हैं, पंजाब में कांग्रेस को कम सीटें दी गई, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये फैसला मेरा नहीं हो सकता, इसलिए मेरा कुछ कहना बनता नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, ये फैसला पंजाब का है, चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, गुजरात का है, गोवा का है, हरियाणा का है, सब जगह का फैसला है। पूरे देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भी अलायंस होगा, हम एक अनुशासित पार्टी हैं, उसमें हम काम करेंगे। तो कब तक ये जो है जनता के सामने रख दिया जाएगा? सवेरे बहुत जल्द है। ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हैं, सवाल का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। शाम सुबह तक इनका समझौता जो फाइनल हो जाएगा, कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।